ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा। श्रोताओ नमस्कार, वर्षा चौमासा श्रृंखला में आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है जी, तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ? अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मिर्ज़ापुरी कजरी बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो मिर्ज़ापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, जिनको कजली देवी भी कहा जाता है जी। और श्याम रंग श्याम वर्ण की देवी हैं वो, उनके लिए ये चीजें गाई जाती हैं, इस कारण कजली देवी जी, कजली देवी। हाँ, हाँ। तो उसका भी एक संबंध इसके नामकरण से है। तो ये अनेक ऐसी चीजें मिलती हैं, कुछ कथा कुछ किंवदंती कि कैसे इसका नाम कजरी पड़ा। काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण ही कैसा स्याह स्याह सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना जी। और वाकई मन में फिर हूक उठने लगती है, फिर वो संयोग श्रृंगार हो वियोग श्रृंगार हो, उसकी जो मिठास है जी बिल्कुल, वो मिठास मुझे लगता है कि इस कजरी में जी जरूर, जरूर खुल जाती बिल्कुल, है बिल्कुल। तो आज आप क्या फिर से एक आध कजरी और सुनाएंगी? एक कजरी का चयन किया है मैंने, भोजपुरी की कजरी है ये, और इससे मुझे जो एक बात याद में आई वो ये कि हर ऋतु के लिए अलग जो परिधान है वो भी बदलता है। अब अगर ग्रीष्म ऋतु में हम रेशमी कपड़ा पहन लें तो बहुत गर्मी लगेगी, या बहुत मोटा कुछ कपड़ा पहन लें, शॉल इत्यादि पहन लें तो गर्मी लगेगी। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु है तो किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी इन गीतों में, हमारे भारतीय संगीत में ये भी आपको पता चलता है। कितनी अनूठी बात है जी। हाँ। पूरी एक संस्कृति का चित्रण होता है, तो कौन सा पकवान, कौन सी चीज किस ऋतु में खाई जानी चाहिए, कैसी चीजें बननी चाहिए, क्या रीति रिवाज है, वो सब इनसे पता चलता है। तो इस कजरी में ये कहा गया है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा, मतलब ये परिधान का संबंध प्रकृति से जुड़ा गया है इसमें, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। बिल्कुल जी। तो वो कहती है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा, बीचे बीचे रंगी है गुलाबी रंगरेजवा, मतलब साड़ी का जो जो बीच का जो हिस्सा है उसे तो गुलाबी रंगिएगा, लेकिन धानी रंग रंगी है किनारी रंगरेजवा। वाह, धानी किनारी होनी चाहिए। हाँ। बॉर्डर जो है वो धानी रंग का होना चाहिए। सरिया पहर हम बगिया में गईली, जब साड़ी पहन के बाग में बगीचे में गए, पड़े लागल सावन के फुहारी रंगरेजवा, भीग गई चुनरी वर्षा में, रिम झिम बरसे बदरवा, लागेला हिंडोला डारी डारी रंगरेजवा। बहुत खूब, झूले भी पड़े हैं वो भी डाली डाली। हाँ, हर डाली पे झूल झूल झुलवा पर गावे कजरिया, उस पे झूले पे बैठ के कजरी गाई जाती है, झूली झूली झुलवा पर गावे कजरिया, पिया संग सुंदर नारी रंगरेजवा। वाह, तो ये वाह चीज आपको सुनाना चाहिए। वो नारी तभी सुंदर होती है जब वो पिया के संग होती है। शुभा जी,
आप मुझे ये तो कजरी हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के बीच जो भेद है, कुछ गाने का भेद है? भाषा का ज्यादा भेद है, जैसे कि आप जानती हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो बनारसी बोली और मिर्जापुरी बोली, और उसी तरह भोजपुरी की भी कजरा, इनमें भाषा का ज्यादा, चार कोस पे पानी बदला, हाँ, कोस पे पानी बदली, इस तरह से। और धुन भी जो है वो पारंपरिक जो धुन है जी, वो अलग अलग बदलती जाती तो है। तो अभी ये जो कजरी आपने सुनाई है जी, जो शब्द बताए हैं वो मिर्जापुरी, ये भोजपुरी कजरी है जी। जी रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग रे जवा, रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग रे जवा, रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग रे जवा, रंग दे गुलाबी मोरी हो साड़ी रंग रे जवा, रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग ले जवा, रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग ले जवा, रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग ले साड़ी रंग रे जवा, बिचे बिचे रंगी है, बिचे बिचे रंगी है, बिचे बिचे रंगी है गुलाबी रंग रे जवा, बिचे बिचे रंगी है गुलाबी रंग रे जवा, धानी रंग रे जवा, धानी रंग रंगी है किनारी रंग रे जवा, धानी रंग रंगी है किनारी रंग रे जवा, रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग रे जवा, हाँ।
शुभा जी, मैं श्रोताओं के साथ कल के लिए इंतजार करूंगी। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।